दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हरियाणा के हिसार ज़िले में हूं। हिसार ज़िले में ये ट्रैक्टर मैंने देखा है, महिंद्रा नोवो 65 यानी 655 DI। दोस्तों 4x4 ट्रैक्टर है और दमदार ये ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को किसान को चलाते हुए हमने खेतों में देखा और किसान से हम बातचीत करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, किसान क्या कहता है इस ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों जो डीलर ट्रैक्टर बेचता है, जो कंपनी ट्रैक्टर बेचती है, सब अपने अपने माल की तारीफ करते हैं। कोई भी ट्रैक्टर भारत में ऐसा नहीं है जिसकी ट्रैक्टर की कंपनी के मालिक या डीलर तारीफ करते थके ना। लेकिन दोस्तों हम किसान से बात करेंगे। ये किसान, पढ़े लिखे किसान यहाँ बहबलपुर बाड़ोपट्टी गांव में हैं और ये काफ़ी दिनों से इस ट्रैक्टर का पहला मॉडल इन्होंने खरीदा है। इन्हीं से बात करते हैं, इस ट्रैक्टर की क्या तारीफ है। दोस्तों आप ही पूरी बात सुने। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, पढ़ रहे हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये खेती बाड़ी भी करते हैं। ये ट्रैक्टर आपका लिए आपने लिया है 655 DI में। तो महिंद्रा का ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है क्या? जी लेटेस्ट मॉडल। कितने सिलेंडर, कितने हॉर्स पावर में? चार सिलेंडर है जी, 65 HP में। अच्छा अच्छा, पावर स्टेरिंग है, पावर 4x4 है। 4x4। सबसे पहले हम इसके मुखौटे की बात करते हैं। जी भाई, इसमें काफी खासा ये जो है हम देख रहे हैं, वेट लगा हैवी वेट। कितना वेट है जी इसमें? जी इसमें 2.5 क्विंटल होता है। 2.5 क्विंटल ये लगा हुआ आया था कि आपने लगवाया था? नहीं, कंपनी का आता है। कंपनी है। और ये जो है ये भी ये शो के लिए देते हैं जी। अच्छा, शो के लिए होते हैं, यानी ये कंपनी की ओर से है। लाइट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें बढ़िया बेहतरीन लाइट जी, 1.5 किलोमीटर की लाइट इसकी। अच्छा, 1.5 किलोमीटर की लाइट जी। अच्छा, हम इसके ये बात करते हैं टायर की। ये तो प्लास्टिक का है, शायद फाइबर है। फाइबर का है, काफी है, जो गले ना और जो टूटे ना, है ना, टूटता भी नहीं है, बार बार मिट्टी से बिगड़े ना, मजबूत है। अगला टायर साइज क्या है इसका भाई? 9.5-24 का है जी। अगला 9.5-24 का टायर। उसमें हम देख रहे हैं इसके जो ब्रेक शू है, इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है, पहली बार देख रहे हैं किसी और में भी आई ट्रैक्टर? नहीं, स्प्रिंग इसके लिए दी जी, इसके मड़गाड़ के लिए दी है। अगर ट्रैक्टर टर्न होता है तो ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा, ये पहली। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर टर्न होता है तो ये अपने आप इसके टर्न जाती है मड़घाट। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये एडजस्टमेंट जो है मड़घाट है। आप अच्छा, इसकी शो तो आप देख रहे हैं, बढ़िया मेटालिक कलर है इसका, बेहतरीन। अच्छा, ये इसकी बैटरी यहाँ दी हुई है, बैटरी बॉक्स नीचे दिया, बैटरी बॉक्स यहाँ दिया हुआ है। साइलेंसर भी बिल्कुल अच्छा है, शोदार कंपनी का जी, कंपनी का सब कुछ। और हम इसके पिछले टायर की बात करते हैं, ये मड़घाट भी अच्छा ठीक ठाक है। ये फाइबर है, मिक्स फाइबर है जी, फाइबर मिक्स है। पिछला टायर साइज क्या है भाई? 16x28 का टायर है। अच्छा, 16x28 का टायर। छतरी इसमें ऐसे ही लगी आई होगी? नहीं, फाइबर छतरी आई थी जी, वो हमने उतरवा दी है। अच्छा, ये फाइबर छतरी आई थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इसका पिछला टायर बता ही दिया। इसमें वजन कितना होगा इस ट्रैक्टर में भाई? इसमें 3300 क्विंटल वजन है। 33 क्विंटल। अच्छा, 33 क्विंटल वजन है जी। और इसकी जो हाइड्रोलिक की और ये इसकी टॉपलिंग की, इसकी क्या क्या तारीफ क्या है बताइए जी? कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, 2000 kg कैपेसिटी है जी इसकी, लिफ्ट की। अच्छा, लिफ्ट की 2000 kg दोनों साइड में एडजस्टेबल दिए है। अच्छा, लेवर अच्छा, अच्छा, लेवलर अच्छा। भी जी, टॉपलिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये इसमें टूल किट बॉक्स है? टूल किट दिया जी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्टर है ये। अच्छा अच्छा, रिवर्स पीटीओ में है। अच्छा, रिवर्स पीटीओ में है जी। अच्छा, और कोई इसके बैक साइड के फीचर कोई विशेष आए हो इसमें बता दीजिए जी। बैक साइड का ये फीचर है जी, इसमें जितना ही आगे भागता है ट्रैक्टर उतना ही पीछे भागता है, इतना ही पीछे बैक गियर में चलता जी। 18+18 है जी। अच्छा, 18+18 है। और ये इसके स्टैंड भी काफी देख हम सब देख सकते हैं, काफी है जी स्टैंड है इसका।
और स्पेस भी बहुत काफ़ी है। इस ट्रैक्टर में मैं बैठ के ही बात करता हूँ। किसान भाइयों, आप लगातार बने रहिए, कैसा दिख रहा है ट्रैक्टर, कैसा लग रहा है, और इसकी सीट काफ़ी एडजस्टेबल है, जैसे कार में बैठे हों मज़े से आप। और ट्रैक्टर तो दमदार दिख ही रहा है, और महिंद्रा का ट्रैक्टर वैसे भी दमदार ट्रैक्टर माने जाते हैं, और साउंड सिस्टम भी भाई ने इसमें लगवा रखा है। और क्या है, बात भाई से ही इसके बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, जितना आगे रखोगे तो जितना आगे भागता है उतना ही पीछे भागेगा। अच्छा, ये सेंट्रल गियर है जी, इसका सटल गियर बोलते हैं। इसका कितना है जी? इसमें टोटल 5 गियर आगे के, अच्छा, और पीछे के भी 5 ही भागता है। इसमें तीन स्पीड है जी, लो हाई मीडियम। अच्छा अच्छा, 10 गियर है, 3 स्पीड है जी। अच्छा अच्छा, और इसमें आगे के जो फीचर, ये ब्रेक और ये क्लच, ये क्लच हो गए जी जी जी, आइल ब्रेक है जी, बिल्कुल सब कुछ कंफर्टेबल है जी। अच्छा अच्छा, 16 घंटे भी काम कर सकते हैं जी हम। अच्छा, कोई भी आदमी इस पर बैठ करके, किसान भाई, 16 घंटे बिना थके काम कर सकता है जी? जरूर जी जी जी। तो और इसके जो है अगले इंजन की थोड़ा सा बातचीत करते हैं, इंजन में क्या खास बात है भाई साहब इस ट्रैक्टर की, और इस इंजन के बारे में बताइए कि क्या खास बात है भाई जी इसमें? यहाँ पे भी जाली दे दी गई है, ऐसे में अच्छा, पहले नहीं आते अच्छा, थे अच्छा, अच्छा, इसलिए दे दी, हिटिंग ना हो ज्यादा। अच्छा, ट्रैक्टर में ऊपर भी है, साइड में भी है, और फ्रंट में भी जाली जी है। फ्रंट तो में कलर तो इसमें बहुत सारे आ रहे होंगे, यही कलर आ रहा है? नहीं, इसमें यही आता है जी। अच्छा अच्छा, फोर व्हील में यही आ रहा है जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि इसमें आप क्या एवरेज ले रहे हैं, कितने इक्विपमेंट चला रहे हैं, कौन कौन से चलाते हैं आप? हम इसमें रोटावेटर चलाते हैं जी, जी, और बिजाई मशीन चलाते हैं, गाजर बिजाई मशीन, ट्रॉली प्लाऊ, ये चलाते हैं। कितना जो आप ये 4 सिलेंडर में 65 हॉर्स पावर में है? 65 हॉर्स पावर में। अच्छा अच्छा, ये टंकी इसकी पर है, इसमें क्या जी? 66 लीटर डीजल आता है जी, 66 लीटर डीजल आता है। और इसमें ये हैंडल भी पकड़ने चढ़ने के लिए दे रखे हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, आप मडघाट में भी है, और ये जो मैन स्टीयरिंग के आगे का भाग है उसमें भी ये हैंडल लगे हुए हैं। और इसमें क्या एवरेज दे रहा है, तेल कितना ले रहा है भाई? जी, ये एक एकड़ में लेता है, हमारे इधर एकड़ भी 8 कनाल का होता है। अच्छा, जैसे अच्छा, अच्छा, राजस्थान में 5 बीघा होता है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 6 लीटर डीजल लेता है जी रोटावेटर में। रोटावेटर में कैपिटल का रोटावेटर चलाएंगे आप इस पर? जी, इसके ऊपर अभी तो 8 फीट का चला रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, 45 मिनट लेता है एक एकड़ में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एकड़ में 45-42 मिनट में ये जुताई कर देता है, और 6 लीटर तेल लेता है। और टेलर पर उसकी क्या, कितना फाली का टेलर चला सकता है? टेलर का हम चलाते हैं जी, 11 फुट लंबाई है उसकी। अच्छा अच्छा, 11 फुट और 4.5 फीट ऊंचाई और 6 फीट चौड़ाई है उसकी। तो भाई साहब, आपने कैश लिया है, लोन पर लिया, कैसे लिया ट्रैक्टर ये? जी, ये कैश भी है और लोन भी है थोड़ा। अच्छा अच्छा, कुल कितना कैपेसिटी का पड़ा है आपको ट्रैक्टर? जी, ये हमारे को पड़ गया 11,70,000 रुपये में पड़ गया। 11,70,000। कितने दिन काम करते हुए हो गए इसको? जी, हमारे को हो गए 4 महीने। कैसा, उससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चलाते थे? जी, हम अर्जुन ही चलाते हैं, इसी का छोटा मॉडल है, 2 व्हील में। अच्छा, 2 व्हील चला रहे थे जी। तो उसमें, इसमें बहुत अंतर है क्या? बहुत सारा अंतर तो है जी। अच्छा, और जो ट्रैक्टर है उनके मुकाबले क्या तारीफ है इसकी भाई? सबसे बेस्ट है जी। अच्छा, महिंद्रा के हमारे पास में 4 ट्रैक्टर है जी। अच्छा, महिंद्रा के ही 4 ट्रैक्टर हैं जी, और ये ट्रैक्टर सब में बेस्ट है। बेस्ट। तो दोस्तों, आपने देखा किसान भाई इस ट्रैक्टर के बारे में क्या कहते हैं, आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, ट्राई कर सकते हैं, किसानों से बात कर सकते हैं, कंपनी में जाकर के पूरी पड़ताल कर सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, बड़ोपट्टी बहवलपुर गाँव हिसार से, नमस्कार।